दिल्ली में जीत हासिल करने का सपना हर सियासी पार्टी संजोए बैठी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी सभी एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता के सामने अपने वादों का पिटारा खोला था, तो आज सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज भी दे दिया है। दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए हर पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही है, तो बीजेपी दूसरों के वादों को झूठा साबित कर दिल्ली में छात्रों को स्कूटी देने और बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना दिखा रही है। इसी बीच सभी की नजरें टिकी थी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर, जो आज आपने जारी कर दिया। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि 24 घंटे मिलेगी बिजली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी। 24 घंटे साफ पानी देंगे, 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलता रहेगा। हर बच्चे को ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी, दिल्ली वासियों को मिलेगी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा, छात्रों को भी मुफ्त यात्रा का होगा प्रावधान, महिला सुरक्षा सर्वोपरि और तैनात किए जाएंगे मोहल्ला मार्शल। दिल्ली मेट्रो को सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने का दावा किया गया। कच्ची कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की भी बात कही गई। 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने का दावा किया गया और झुग्गी के लोगों को पक्के मकान की गारंटी दी गई। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस मैनिफेस्टो में सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के भविष्य का विजन शामिल है। सिसोदिया ने कहा कि आम लोगों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आम आदमी पार्टी संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार संघर्ष जारी रखेगी। इसके अलावा पार्टी स्वराज बिल भी लेकर आएगी। वहीं जहां पार्टी एक तरफ अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, तो वहीं उसी दौरान सीएम केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने को लेकर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी को अपना सीएम का चेहरा कल बुधवार तक घोषित करने की चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो मैं किसी भी तरह की बहस के लिए तैयार हूँ। ऐसे में बीजेपी अब इस चैलेंज का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।